friends, hope you are doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take second language Hindi for the students of class 8. तो चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले लेसन की ओर, धरती की आंखें, जो कि एक कहानी है. तो यहाँ पे धरती, धरती यानी अर्थ, पृथ्वी या भूमि की आंखें, आंखें यानी आईज या नेत्र. तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में रात के समय, रात यानी नाइट, तो रात के समय का आसमान, तो रात में जो आसमान दिखता है वो दिखाई दे रहा है. चांद और सितारे, चांद यानी मून और सितारे यानी स्टार्स जो है दिखाई दे रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर. तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है. तो अगला प्रश्न क्या है? टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का जो है संबंध किस से है? तो टिमटिमाना और चमकना जैसे शब्दों का जो संबंध है तारों से है. तारे जो है चमकते हैं या टिमटिमाते हैं. इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं? तो इन चांद और तारों को देखकर हम क्या सोचते हैं? इन्हें देखकर हम यह सोचते हैं कि ये आकाश में कैसे लटक रहे हैं. लटकने यानी हैंग होना. ये दिन भर कहाँ रहते हैं आदि हम इन्हें देखकर सोचते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी. बहुत पुरानी बात है, पुरानी यानी काफी एंशियंट, प्राचीन बात है. एक राजा था, एक किंग था. वह नित्य यानी एवरी डे, हर दिन नए सपने देखता. नए यानी न्यू, सपने यानी ड्रीम्स, तो न्यू ड्रीम्स देखता. उन्हें पूरा करने का प्रयास करता. प्रयास करना यानी एफर्ट लगाना. तो उन सपनों को पूरा करना चाहता था, सच करना चाहता था. दरबार के गुणी, दरबार यानी राजा का जो राजसभा होती है, किंग्स कोर्ट को कहते हैं दरबार. तो दरबार के गुणी, गुणी यानी काफी दिमाग वाले पंडित और बुद्धिमान, बुद्धि वाले लोगों को सपने जो है सुनाता था. जो अपने सपने हैं वो गुणी और बुद्धिमान लोगों को ही सुनाता था. और उन्हें पूरा करने में, जो सपने हैं वो सपने पूरा करने में उनकी सहायता यानी उनकी मदद लेता था, उनकी हेल्प लेता था. सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने, खजाने यानी ट्रेजर का मुंह खोल देता था. सफल होने पर उनको सम्मानित करता था. तो सम्मानित करता, सम्मानित यानी ऑनर करता था, रिस्पेक्ट देता था. और असफलता यानी असफल होना यानी कोई चीज में सफलता ना प्राप्त करना. तो असफलता पर निराश नहीं, दुखी नहीं होता था, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था. उत्साह बढ़ाना यानी उन्हें और खुश करता था, उनसे काफी अच्छे से बात करता था. कमियों को पूरा करके दोबारा जो है प्रयत्न करता था. जो भी कमी रही, जहां पे असफल हुआ, उस कमी को जो है पूरा करके दोबारा प्रयत्न, फिर से जो है कोशिश करता था, फिर से एफर्ट्स लगाता था. तो दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित रहता था. राजा के व्यवहार यानी उसके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड से सभी खुश थे. वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, क्योंकि वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था, सबको खुश रखता था. इसीलिए हर कोई उनके काम के लिए तैयार रहते थे. इसी कारण राज्य जो है दिन दूनी रात चौगनी, यानी बहुत कम समय में बहुत अधिक उन्नति करना. तो इसी कारण जो है राज्य दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था. राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते. तो राजा के नाव जो है, नाव यानी बोट, यहाँ पे जो बोट है वो समुद्र में हजारों यानी थाउजेंड मील, हजारों किलोमीटर जो है, थाउजेंड किलोमीटर
दूर तक जाते, उसका यश फैलाते। यश फैलाना यानी जो उनका बिजनेस है वो स्प्रेड करते, नई बस्तियां बसाते, नए जो है घर बनाते, व्यापार करते। व्यापार करना यानी नए बिजनेस करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य जो है दूर दूर तक फैल गया। किंतु लेकिन इसके साथ साथ जो है राजा की कठिनाइयां, कठिनाई यानी मुश्किल, डिफिकल्टीज भी बढ़ गई, ज्यादा हो गई। कभी कभी राजा का नाव जो बोट है या जहाज डूब जाता, डूब जाने यानी पानी में अंदर चले जाता, या हमले का शिकार हो जाता था, हमला यानी कोई अटैक करता था, तो उसे तुरंत सूचना, तुरंत यानी इमीडिएटली सूचना यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो इस तरह जो है कभी नाव पे कुछ अटैक होता या कभी नाव जो है डूब जाता तो उन्हें तुरंत जो है इंफॉर्मेशन या तुरंत उसके बारे में सूचना नहीं मिल पाती थी। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में, क्षेत्र यानी किसी रीजन में कोई भयानक स्थिति, भयानक यानी स्केरी स्थिति यानी सिचुएशन पैदा हो जाती, या कहीं कोई उत्सव आदि होता, तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र यानी जल्दी जान पाता, उसके बारे में इमीडिएटली जो है जान नहीं पाता। ऐसे में सहायता भेजने यानी हेल्प, मदद भेजने में भी विलंब होता, विलंब यानी देरी होती, लेट होता। एक दिन राजा चांदनी रात यानी मूनलाइट, चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर, चांद यानी मून को, चंद्रमा को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को जो है आसानी से यानी इजीली देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना यानी एक अलग तरीके का विचित्र जो है सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं। तो राजा ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें लगा कि चांद यानी मून की दो आंखें, आंखें यानी आईज है और मुंह भी है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों, आंखों यानी नेत्र से, नयन से, अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। तो यहाँ पे राजा जो है सपना देख रहा है और उस सपने में चांद जो है कह रहा है कि अरे समुद्र यानी समुन्दर में जो है तूफान आने वाला है और चिंता मत करो, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ यानी इन्फॉर्म करता हूँ कि वह अपना मार्ग यानी अपना रास्ता जो है बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। तो चांद जो है कहता है कि अरे तुम्हारे राज्य में जो है किसी ने हमला किया यानी किसी ने अटैक किया है, तो मदद के लिए शीघ्र यानी इमीडिएटली जल्दी से सहायता भेजो यानी किसी की मदद भेजो। मदद के लिए किसको? सेना को भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। तो चांद कहता है देखो राजा, देखो तुम्हारे जो राज्य है वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव यानी सेलिब्रेशन या फेस्टिवल, कोई त्योहार मनाया जा रहा है, कोई पर्व है, तो तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। तो तरह तरह के जो खेल है, खेल यानी जो गेम्स है, उसका आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। तो ये सब जो चांद ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है राजा को कि उसके राज्य में क्या क्या चल रहा है, उस बात पे राजा ने अपने सपने, अपने ड्रीम्स में ही चांद को, चंद्रमा को
धन्यवाद दिया, उन्हें थैंक यू कहा। फिर सुबह हो गई और समय पर दरबार लगा। तो जो समय पे दरबार लगता है वो समय पे दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद यानी मे बी सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा, निराशा यानी जो दुख है और दर्द यानी पेन, ने दरबारियों को विचलित कर दिया। विचलित यानी डिस्ट्रैक्ट होना। एक वृद्ध दरबारी, वृद्ध यानी एक बूढ़ा दरबारी जो है, उसने कहा, महाराज निराश ना हो, आप यह सपना अवश्य यानी जरूर सच होगा, आपका ये जो सपना है वो जरूर सच होगा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। तो ना राजा रहा यानी राजा मर गया, और वृद्ध यानी जो बुजुर्ग दरबारी था वो भी नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी यानी अर्थ की परिक्रमा यानी सर्कुलेशन कर रहे हैं। आज अकेला यानी अलोन चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष यानी स्पेस में सैकड़ों यानी कई सारे कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो है सचमुच यानी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सचमुच धरती की जो है चक्कर काटती आंखों के समान है, वे सब देख लेते हैं। जैसे समुद्र में उठते तूफान यानी जो स्टॉर्म आता है समुद्र में, वो धरती पर होने वाले तरह तरह के अलग अलग विस्फोट यानी एक्सप्लोजन्स, यहाँ वहां चलने वाले भयानक युद्ध जो वॉर होते हैं वो, यही नहीं वे मौसम को यानी जो वेदर है उसको भी बहुत पहले पहचानने में, जो वेदर फोरकास्टिंग होता है यहाँ पे उसकी बात चल रही है, तो वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं। अंतरिक्ष यानी स्पेस तथा और सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के ग्रहों यानी प्लैनेट्स के बारे में जानकारी यानी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनसे इन ग्रहों इन प्लैनेट्स की यात्रा जो है उसका मार्ग जो रास्ता है तैयार होता है। ये पलक झपकते यानी ब्लिंक ऑफ एन आई संदेशों को, चित्रों को यानी संदेश जो मैसेज है उसको, चित्र यानी जो पिक्चर है उसको, टेलीविजन यानी टीवी कार्यक्रमों यानी प्रोग्राम्स या चैनल्स को हजारों मील यानी कई किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षा यानी अध्यापक टीचर का भी कार्य यानी काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसान यानी हमारे फार्मर्स और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स की जो नजर है बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती, इनसे कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस यानी इनसे अच्छा डिटेक्टिव या गुप्तचर भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की ऊंचाई यानी हाइट से चित्र यानी फोटो पिक्चर खींचते हैं यानी क्लिक करते हैं, और शत्रु यानी जो दुश्मन है, शत्रु की सैनिक तैयारियों जो सैनिक तैयारी करते हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता।